बहुत बहुत स्वागत है आपका BHU पाठशाला के इस YouTube चैनल पे। तो मैं वेदांत और आज हम BHU एंट्रेंस के बारे में थोड़ी आपसे चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि बड़ा ही थोड़ा सा एक संशय की स्थिति है आप सभी अभ्यर्थियों में। तो ये मेरे को लगता है जितने भी अभ्यर्थी हैं जो BHU में आना चाहते हैं उनको ये वीडियो देखना चाहिए। तो वैसे तो हम सारे उसमें हमारा फोकस है, सारे इस पर वीडियोज़ में हम जो हैं सारे लेक्चर्स हम जा रहे हैं उस पर फोकस है, सारे कोर्स के चाहे BSc हो चाहे कुछ भी हो। लेकिन सबसे ज़्यादा चूँकि हमारे पास आबादी सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ जो है तीन विषयों की है और इन्हीं में सबसे ज़्यादा संशय हमको आज मिल रहा है, तो हम उन्हीं के बारे में बात करें। जैसे कि BA का एक हो गया हमारा, एक BA हो गया, एक हमारा हो गया BA LLB और एक हमारा हो गया BEd UOB ह्यूमैनिटीज। ठीक है, तो ये तीन लोगों के इसको सबसे ज्यादा संशय है कि भैया क्या चल रहा है, क्या नहीं। पहली बात तो सबसे ज्यादा संशय ये है कि UET और CUCET, ये जो सबसे बड़ा संशय जो है लोगों में चल रहा है आजकल, मतलब ये हर जगह का है, ये हर कोचिंग इंस्टीट्यूट में हर छात्र के छात्र छात्र छात्राओं के बीच में एक चर्चा का विषय बन चुका है कि UET होगा कि CUCET होगा। शायद अगले हफ्ते तक हमें ये चीज़ क्लियर हो पाएगी कि क्या एक क्रांति आने वाली है CUCET के माध्यम से, या फिर वही पुरानी व्यवस्था को ही जिंदा रखते हुए हम उस प्रथा को रखते हुए BHU के अंदर एंट्री छात्रों की करवाएंगे। तो खैर ये चीज़ तो चलती रहेंगी। मैं ये बोल बताना चाहूँगा आपको कि एक हम आपको अभी यहाँ पे नंबर देना एक प्रोवाइड करवाना चाहेंगे। ये एक व्हाट्सएप नंबर है 9519383272, ये एक हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसका नंबर आपको कैसे यूज करना है, क्योंकि देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, हर पेपर का एक डिजायर्ड, एक बहुत ही कहना चाहिए मुख्य हथियार किसी भी पेपर को पार करने का होता है, और वो होता है आपका सिलेबस, कि पढ़ना क्या है। कि भाई ऐसा तो नहीं कि BA करना है तो कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स HC वर्मा की पढ़ के हम चलेंगे, उससे तो पेपर नहीं निकलेगा। तो हमें यह पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है। तो सिलेबस आपको इस नंबर से मिलेगा, UET का हमारे पास तैयार रखा है, और अगर मान लीजिए CUCET आता है तो फिर आप हमसे क्यूरी कीजिए, हम इस नंबर पे आप क्यूरी करिए। और हम जो है, चूंकि जैसे मान लीजिए कि अगर 3rd जुलाई को मान लीजिए ये घोषणा होती है, मैं ये कोई मतलब मैं यहाँ बताना चाहूँगा, मेरा कोई अंदर कोई सोर्स नहीं है जो है HRD मिनिस्ट्री में, तो मैं एक बता रहा हूँ कि मान लीजिए 3 जुलाई को ये डिक्लेयर होता है कि CUCET कंडक्ट होगा, मान लीजिए एक मिनट के लिए हम मान लेते हैं, तो 8 जुलाई तक हमारी टीम पूरा सिलेबस तैयार कर देगी। 8 जुलाई तक आपका 5 दिन के अंदर आपका सिलेबस तैयार हो जाएगा। अब 5 दिन क्यों इतना जल्दी हो जाएगा, क्योंकि कारण ये है भाई, कोई बहुत बड़ा तो मतलब कोई भीषण बदलाव तो आएगा नहीं, छोटी मोटी चीज़ें कुछ जाएंगी कुछ बाहर आएंगी। जैसे मान लीजिए अगर हम मैथ्स के सिलेबस की बात करें या फिर हम पॉलिटी की बात करें, तो पॉलिटी में हम देख लेते हैं कि फंडामेंटल राइट्स बाहर चले गए या फिर कुछ आ गए, तो ऐसे में उदाहरण से हम आपको बताना चाह रहे हैं क्या क्या चीज़ें अंदर बाहर हो सकती हैं जब ये CUCET आता है, तो हम इंफॉर्मेशन दे देंगे। UET का सिलेबस हमारा तैयार है, क्योंकि हमारे यहाँ टीम हर चीज़ के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए एक स्पेशल मेंटर हमारे उपलब्ध हैं, तो उसकी कोई चिंता की बात नहीं है। अब ये तो हो गई सिलेबस की, आप सिलेबस के लिए आप इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। संपर्क क्या करने का तरीका, व्हाट्सएप के माध्यम से आप करिए, और जैसे मान लीजिए कि मेरा नाम जैसा था वेदांत है, तो जैसे मान लीजिए मुझे कुछ चाहिए, तो मैंने व्हाट्सएप पे मैंने नाम डाला, भेज गए इस नंबर पे, मैंने अपना नाम डाल दिया और मैं कोर्स बता दिया, कोई भी कोर्स बोल दीजिए। जैसे मान लीजिए मुझे BSc में चाहिए, BSc AG में चाहिए मान लीजिए एग्रीकल्चर में, ठीक है। अब अगर मुझे सिलेबस चाहिए तो मैंने नीचे सिलेबस लिख के भेज दिया, ठीक है। एक मैं तरीका आप लोग को बता रहा हूँ कैसे एक मैसेज होते, कई बार क्या होता है कोई हमको मैसेज करता है हम उसको समझ में नहीं पाते, तो ऐसे कर दीजिए, सिलेबस नीचे लिख दीजिए, और या फिर आप सिलेबस की जगह आप लिख दीजिए, अगर आप लीजिए आप हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो फिर आप कोर्स लिख दीजिए, ताकि हमको जो है आपसे संपर्क करने में आसानी होगी। अगर आप इतना तीन चीज़ों में, तीन चार शब्दों में अगर आप हमें अपनी डिमांड्स जो है बता दें, तो हम उसमें आपकी ज़्यादा अच्छे से मदद कर पाएंगे। तो अब ये हो गई थोड़ी सी बात। अब ये है कि भाई अब पेपर जो कि जाता है 40-50 दिन बाद होगा, लेकिन पेपर तो होगा, भले ही अभी जो है उसको आगे जो है स्थगित कर दिया गया था अग्रिम आदेश के लिए, स्थगित तक था अग्रिम आदेश तक, लेकिन ये है कि पेपर तो होगा। तो कैसे करना है, 40 दिन सिर्फ कैसे,
हर व्यक्ति के पास, जितने भी बच्चे हैं अभी जो तैयारी कर रहे हैं उनके पास मैं बताना चाहता हूँ, 24 घंटे सबके पास है, ठीक है? और सबके पास एक जैसा दिमाग है, एक ही आपके पास दिमाग है तो एक ही जैसा आपके पास ब्रेन है, ये दो चीजें सबके पास है। जो पेपर क्लियर करता है, जो पेपर से बाहर होता है, जो क्लियर और जो अनक्लियर करते हैं, जो रिजेक्ट और क्लियर होते हैं, उनमें एक चीज का बहुत डिफरेंस होता है, वो एक चीज है बस और कुछ नहीं, टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट, अगर जिसके पास टाइम मैनेजमेंट है उसको आपके जो जो BHU है, जो प्यारा सा कैंपस है आपका, ठीक है, कुछ इसी टाइप का मेन गेट है, इसके अंदर आप जो है एंटाइटल हो जाएंगे घुसने के लिए, इसके अंदर पढ़ने के लिए। बिलीव करिए, अगर आपके पास ये चीज आपके पास आ गई टाइम मैनेजमेंट, हर व्यक्ति का टाइम मैनेजमेंट अलग होता है। मैं इस वीडियो में, अगले वीडियो के माध्यम से आप किसी को बता सकता कैसे हमको पढ़ना है, किसी की मैथ्स वीक होती है, किसी की पॉलिटी वीक होती है, किसी का हिंदी अच्छा होता है, किसी का साइंस अच्छा होता है, तो ये आपको अपना खुद का आकलन करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक मैं नॉर्मल से एक मोटा मोटा तौर पे अगर मैं आपको एक आप मुझसे स्ट्रैटेजी पूछना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप मोटा मोटा तौर पे अगर हमसे आप स्ट्रैटेजी पूछना चाहते हैं तो मैं एक आपको छोटे से बता देता हूँ। स्ट्रैटेजी तीन तरह के बनेगी, एक आप अपना सिलेबस देख लीजिए, आपने अपना सिलेबस देख लिया, दूसरा ये देख लिया योर स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट्स, स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट्स आपने एनालिसिस कर लिए, और उसको ऐसे करना कि वीक टॉपिक्स पर थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, एंड थर्ड इज मॉक टेस्ट। बस ये तीन चीजों पर ध्यान देना है, पेपर क्लियर क्लियर, फिर आपके पास बगैर काउंसलिंग लेटर आएगा बढ़िया सा, और चैनल पे आपको एक बार दिखाई भी जाएगा काउंसलिंग लेटर कैसे आता है, बढ़िया सा बिल्कुल उसमें लिखा रहेगा, सब्जेक्ट पूरा बढ़िया उसमें लिखा रहेगा बढ़िया तरीके से, और कई लोगों का उसमें जो सपना है कि वो कॉल लेटर होंगे उनके पोर्टल पे मिले। तो ये तीन चीजें हैं की पेपर क्लियर करने के लिए। सिलेबस अच्छे से पता होना चाहिए कि हमारा युद्ध किससे है, हमें किस कौन से औजार चाहिए, वो सिलेबस में आपको दिया जाएगा। क्योंकि सिलेबस में मान लीजिए गणित में पार्टनरशिप नहीं पढ़ना है, या हिस्ट्री में वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़नी है, ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि लोग आता सब पढ़ लिया सब पढ़ लिया सब पढ़ लिया, उससे पेपर नहीं निकलता। दूसरी स्ट्रांग एंड वीक, मेरा मैथ्स बहुत अच्छा है, मेरी हिस्ट्री बहुत अच्छी है, लेकिन मैं पॉलिटी में डब्बा हूँ, मैं इंग्लिश में डब्बा हूँ, तब ये देखिए कि कितना डब्बा है, और उस हिसाब से अपनी प्रैक्टिस करिए। और एक पहले शुरुआत के 2-3 हफ्ते इसी पर डिवोट करिए, जब आपको लगे हाँ गाड़ी पटरी पर आ रही है, गो फॉर मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट जितने करेंगे उतना होगा, क्योंकि मॉक टेस्ट के 3 फायदे हैं, देखेगा ठीक है, 3 बेनिफिट्स हैं मॉक टेस्ट के। पहला तो एक तरीके से टेस्ट का जो 3 आवर्स जितना भी होगा, जैसे 3 आवर्स का पेपर है तो मान लीजिए 3 आवर्स का पेपर है तो 3 घंटे की आपको क्षमता मिल गई बैठने की। दूसरी चीज मिल जाएगी कि आपकी स्पीड क्या है, स्पीड आपकी कैसी है, ठीक है, स्पीड एंड एक्यूरेसी आप उसमें कह सकते हो। और उसके बाद एक चीज और पता चलेगी कि अब भी कुछ ऐसा है कि जो मेरा वीक चल रहा है, कुछ ऐसा है कि वीक या स्ट्रांग पॉइंट अभी भी कुछ ऐसा है जिसपे कसर हो सकती है, क्योंकि चीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी तो उसकी प्रैक्टिस कम करिए, छोड़िए मत, थोड़ी कम करिए। जैसे मान लीजिए किसी का हिस्ट्री बहुत अच्छा है तो हिस्ट्री के लिए वो बंदा पूरे मान लीजिए, क्योंकि 8 घंटे आप पढ़ रहे हैं, 8 घंटे में हिस्ट्री को आप सिर्फ आधा घंटा दीजिए। किसी की मैथ्स वीक है तो मैथ्स को आप 3.5-4 घंटा दीजिए, 3 से 4 घंटा दीजिए। तो ये आपको निर्णय कर रहा है, एक हम आपको एक ब्लूप्रिंट बता रहे हैं कैसे तैयारी होती है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपकी जीवन में थोड़ा अच्छा प्रभाव डाले और मेरी छोटी सी ये कोशिश आपके लिए काफ़ी कारगर सिद्ध हो। और BHU पाठशाला चैनल पे ऐसे ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए इस चैनल को फॉलो करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकॉन दबाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।